अस्सलामुअलैकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि कफाला लेना चाहते हैं या फिर उनका इकामा एक्सपायर है या फिर उनका इकामा वैलिड है। दोनों ही कंडीशन में वो कफाला कैसे ले सकते हैं और कफाले का तरीका क्या है या फिर कफाले का जो फ़ीस होता है वो कितना होता है या फिर वो कितनी बार अपना कफाला ले सकते हैं या फिर कफाला लेने टाइम जो पेमेंट होता है, जो कफाले का फ़ीस होता है, ट्रांसफ़र का फ़ीस होता है, वो कौन पे करेगा, जो कफाला ले रहा है वो पे करेगा या जो कफाला करवा रहा है वो पे करेगा। तो आज के इस वीडियो में इन सारे जो डाउट होता है जो मुझसे यूट्यूब के कमेंट में पूछा जाता है, मैं उन्हीं सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से कफाला ले सकते हैं अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो, या फिर आपका इकामा वैलिड है तो किस तरीके से आप अपना कफाला ले सकते हैं और ये कफाले का जो पैसा है वो कौन पे करेगा, और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी जो है स्किप ना करें, इस वीडियो को हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें ताकि आने वाले टाइम में अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो आपको इजी होता है समझने में कि किस तरीके से आपको कफाला लेना होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका इकामा वैलिड है और वो कफाला लेना चाहते हैं। तो देखिए, इकामा जिनका वैलिड होता है उनका जो कफाले का तरीका होता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हो चाहे कमर्शियल वर्कर हो, तो इसमें मैं बात करूँगा सिर्फ कमर्शियल वर्कर का। जब डोमेस्टिक वर्कर का होगा तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसमें कमर्शियल वर्कर का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग फिर डोमेस्टिक वर्कर के बारे में पूछें, ये सिर्फ कमर्शियल वर्कर के बारे में है। तो देखिए, कमर्शियल वर्कर में ये सिस्टम है कि जो भी वर्कर जिनका इकामा वैलिड होगा वो किस तरीके से कफाला ले सकते हैं। देखिए, उसमें दो तरीका है, जिनका इकामा वैलिड होगा वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि वो अपने क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगाए, उनका कफील जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उनका कफाला होगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि जिनका इकामा वैलिड है, जिनको कफाला लेना है, और कफील जो है खुद कह दे कि ठीक है हम आपको कफाला देते हैं, आप कहीं भी जाके कफाला ले ले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कफील आपको परमिशन देता है, एक लेटर ट्रांसफ़र का पेपर बना के देता है। तो वो पेपर लेकर के आपको जिसके पास कफाला लेना है वहाँ पर जाएंगे और आपका वहाँ पर कफाले का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया कि जिनका इकामा का वैलिड होगा और वो कफाला किस तरीके से लेंगे। दूसरी बात हो गई, यहाँ पे मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई कफाले का फ़ीस क्या होता है, कितना पे करना होता है, किस तरीके से पे करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, जिनका इकामा वैलिड होगा और जो कफाला लेना चाहते हैं वो जब पहली बार अपना कफाला का फीस पे करना चाहेंगे तो उनका जो होता है 2000 रियाल जो है इकामे का ट्रांसफ़र का फ़ीस होता है। तो उसमें क्या है कि सिर्फ 2000 रियाल आपको पे करना होता है। अब इसमें दो कंडीशन में ये भी है कि अगर कंपनी चाहे जो कफाला ले रहा है आपका वो पे कर सकती है, अगर वो राजामंदी नहीं होता है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी बात आपका क्लियर हो गया कि कफाले का फ़ीस कितना था और कौन पे करेगा। इसमें दोनों है, या तो आप पे कर ले या तो जो कफाला ले रहा है वो पे कर ले, तो वो हो गया आपका कफाले का फ़ीस का पेमेंट क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक जो छुपा हुआ बात है जो कोई बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब आप कफाला लेना जा रहे हैं किसी भी कंपनी के पास, किसी भी कफील के पास, तो उसमें एक कंडीशन आता है कि कफील आपसे जो है कफाले के लिए पैसा मांगता है, 4000-5000 रियाल तक भी मांग लेता है। तो ये कितना है, तो देखिए ये जो है कफील के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कफील जो है आपसे 8000-10000-12000 रियाल तक मांगता है, कोई कफील जो अच्छे होते हैं वो 3000-4000 लेकर के आपका कफाला दे देते हैं। तो वो जो है अपना कफाले का पैसा लेते हैं, वो समझिए कि एक तरीके से आपको ट्रांसफ़र के लिए सर्विस चार्ज का पैसा लेते हैं। तो ऐसा तो इस तरह यहाँ का कोई ऐसा लीगल कानून नहीं है कि इसको आप रोक सकते हैं, ये जो है छुपा हुआ चीज़ है जो कि हर कोई यहाँ पर जानता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो ये तरीका हो गया कि आपका अगर इकामा वैलिड होगा तो वो इस तरीके से अपना कफाला लेंगे। अब इसी में जो है हम बात करेंगे कि जिनका इकामा एक्सपायर है वो किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे परेशान होते हैं जिनका इकामा एक्सपायर होता है वो कफाला लेना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहला कंडीशन ये है कि सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से तो जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है वो 4-5 दिन के बाद अपना कफाला ले सकते हैं, लेकिन बज दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी उनका कफाला नहीं लेती है। तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि जब भी जिनका भी इकामा एक्सपायर होता है
तो उनको जो है कफाले का पैसा तो कफील को नहीं देना पड़ता, लेकिन उनका ये काम है जो एक्सपायर होता है, जिस वजह से कंपनी उनका जो है कफाला नहीं लेती। उसमें का रीज़न जो है सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो है आपका एकामे का रिन्यूअल का फीस पे करना पड़ता है। मान के चलिए आपका साल भर हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, या फिर जितना भी महीने का आपका एकामा एक्सपायर होगा, तो वो पूरा का पूरा एकामे का रिन्यूअल का फीस और एकामा रिन्यूअल ना करने का फाइन, वो सारा चीज़ को पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 2000 रियाल जो है ट्रांसफ़र का फीस, जो गवर्नमेंट का फीस है, उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा पेमेंट करने के बाद फिर आपका कफाला हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पे करेंगे, अफसर पे आपको रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि क्यूबा पे नहीं आ सकता है, सिंपली आपका अफसर पे आएगा। और अगर आपका क्यूबा वर्क कर रहा है तो फिर क्यूबा पे आएगा, दोनों ही कंडीशन है, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करके फिर आपका वहाँ पर कफाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि मेरे वीडियो में भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरा जो है कफाले के लिए जो फीस का पेमेंट है उसमें कंपनी मुझसे कह रही है 8000 दो, 10000 दो, 12000 रियाल तक कंपनी मांगती है कि हम आपका कफाला तो लेंगे लेकिन आपको इतना पे करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका जो रीज़न है कि हर आदमी का जो कफाले का जो तरीका है सेम ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके एकामे का फीस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। हर आदमी का एकामे का फीस एक नहीं होता है, हर आदमी का एकामे का फीस जो होता है 685 रियाल होता है, लेकिन उसमें जो है वर्क परमिट का पैसा भी ऐड होता है, जिस वजह से इंसान का काम के हिसाब से वर्क परमिट लगता है। मान के चलिए कि कोई लेबर है तो उसका वर्क परमिट का फीस जो है एग्जांपल के तौर पे 1000 होगा, और जिन जो टेक्नीशियन हैं, जो फिर इंजीनियर हैं, तो उनका जो है वर्क परमिट का फीस जो होता है वो 1500-2000 भी हो सकता है। तो वो सारा चीज़ जोड़ करके आपका जो है एकामे का फीस 4000-5000 तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से जो है आपका एकामे रिन्यूअल का फीस इतना सारा होने के कारण आपका कफाला लेने में 7000-8000 लग जाता है। तो ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका डाउट क्लियर कर दिया कि जो लोग का एकामा एक्सपायर होता है वो किस तरीके से कफाला लेंगे, कितना पेमेंट करना पड़ेगा और इतना पेमेंट करना क्यों पड़ता है। अब यहाँ पे दो बात आपको है कि अगर या तो आप पेमेंट कर दें, अगर कंपनी आपको लेना चाहती है तो फिर तो वो कोई बात ही नहीं है, वो किसी सूरत में आपका फीस पे करके आपको कफाला दे देगी। लेकिन अगर कंपनी नहीं चाह रही है और वो कुछ आनाकानी कर रही है, तो फिर वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप पूरा पे कर लें या तो 50-50 कर लें, कंपनी कुछ पे कर दे कुछ आप पे कर दें, तो फिर आपका इजी वे में वहाँ पे कफाला हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और डाउट सबका रहता है कि भाई हम कफाला कितनी बार ले सकते हैं, और दूसरी बार या तीसरी बार भी कफाला लेने पर हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जो अमाउंट था छुपा हुआ जो अमाउंट था, जो हिडन अमाउंट था, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो कफाले का अमाउंट है वो पूरा ओपनली है, आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार जब आप कफाला लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2000 रियाल जो है गवर्नमेंट का फ़ीस होता है। उसी तरीके से अगर आप दूसरी बार भी लेते हैं तो उसमें आपको 4000 रियाल का गवर्नमेंट का फीस को पे करना पड़ता है। अब जो लोग तीसरी बार लेते हैं उन लोगों के लिए फिर हो जाता है 6000 रियाल। तो यानी कि हर बार में आपका 2000 बढ़ जाता है, लास्ट में तीसरी बार में 6000 हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चौथी बार हो गया या फिर पाँचवीं बार आप करना चाह रहे हैं कफाला, तो फिर कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि तीसरी बार जब आप कफाला ले लेते हैं, 6000 पे कर लेते हैं, उसके बाद आप जितनी बार भी चाहे आप 10 दफ़ा कफाला क्यों ना ले लें, उसके बाद आपका एक कफाले का फ़ीस जो होता है वो सिर्फ 6000 रहेगा, उससे 1 रुपया आपका कफाले का फ़ीस नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दिया, जिनका एकामा एक्सपायर हो वो किस तरीके से कफाला लें, कितना फ़ीस होगा, या फिर जिनका एकामा वैलिड है, एक्सपायर है, वो मैंने पूरा एक तरीके से आपको बता दिया। क्योंकि मेरे वीडियो में जो भी कमेंट आता है मैं उसी को समझ करके उसी के हिसाब से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पर मेरा वीडियो देख करके अपने प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहते हैं, उनका कोई डाउट रह जाता है, तो मैं हर किसी को उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ 1 बाय 1। इसीलिए मैं पूरा एक वीडियो ही बना के आप लोगों के लिए ला देता हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट होता है उस वीडियो को देख के आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि मैंने आपका जो भी डाउट होता है कफाले से रिलेटेड, चाहे आपका एकामा एक्सपायर हो तो किस तरीके से कफाला लेना है, या फिर आपका एकामा वैलिड हो तो किस तरीके से कफाला लेना है, कफाले का फ़ीस कितना होता है, या फिर कफाले का फ़ीस को कौन पे करेगा, किस तरीके से पे करेगा, किस तरीके से प्रोसेस है कफाले का, तो मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देता रहूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि स्वदेशी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई कफाला लेना चाह रहे हैं उनको पूरा प्रोसेस पता हो कि किस तरीके से उनको कफाला लेना है, कितना फ़ीस पे करना है, और कोई अगर ज़्यादा भी मांगता है तो उनको पता हो कि कितना कफाले का तरीका है या कितना फ़ीस है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।